जिला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन का आज उनका दूसरा दिन है, साथ ही साथ आज कुछ और किसान नेता भी उनके साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 19वां दिन मैं हूँ चिल्ला चेक पोस्ट पर, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर, जहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ किसान अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए अनिश्चितकालीन यहाँ पर जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भानु के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज उनके साथ ही जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए तमाम उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, और साथ ही तमाम बॉर्डरों पर जो है जो किसान है, जो तमाम संगठन है किसानों के, वो लोग भी जो है यहाँ पर बैठे हैं। आज हर बॉर्डर पर शुरुआत बात करते हैं कि अब जहान में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे, ये बताइए तरुण जी कि किस तरीके से आज का आपका कार्यक्रम रहेगा, और अध्यक्ष के साथ साथ करीब कितने लोग जो है यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं। मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु में। आज से मैं भी अपने बड़े भाई जो हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी, उनके समर्थन में आज से मैं भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहा हूँ आज से। और मेरे साथ में अभी जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं ये लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये लोग 10 से 5 तक का आज का खाने का खाना पीना बिल्कुल नहीं खाएंगे आज 10 से 5। किसान यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, क्या वजह लगता है? किसानों को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग हमारे आंदोलन को दबाने की और कुचलने की साजिश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से कोई भी मीडिया के माध्यम से हम लोग कोई भी आह्वान करते हैं, वैसे ही रात में 12 बजे लेकर से और सुबह 4 बजे तक पुलिस घर पर धरना देती है। जगह जगह से हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया जाता है। जीवर टोल टैक्स पर देख लीजिए, कल हमारे जो आगरा में एक सादाबाद थाना पड़ता है वहाँ के चौक इंचार्ज ने तो इतनी अभद्रता की है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट तक की है। मतलब ये लोग बिल्कुल हमारे आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रहे हैं, जबकि हम लोगों का सिंपल सी चीज़ है कि आप जो काले कानून लेके आए, आपने किसी किसान भाई को उसमें सपोर्ट नहीं लिया, किसी किसान नेता का आपने सहयोग नहीं लिया। पिछले 22 तारीख से हमारे पंजाब के किसान भाई बैठे हुए हैं आंदोलन पे, आपके सिंधु बॉर्डर पर अलग बैठे हुए हैं, आपके गाजीपुर बॉर्डर पर अलग बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 1 तारीख से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनको इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। जब तक आप ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, किसान आयोग का गठन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, जब तक काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और किसान जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। आंसर पे बैठे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए आज 14 दिसंबर है, किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी? रणनीतियाँ तो अब आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं जिला मुख्यालयों पे, नेताओं का घेराव होगा, लेकिन मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ, कल से तो भूख हड़ताल पे ही रहूँगा। और करीब कितने लोग आपके साथ बैठे हैं आज? तो कल तो मैंने मना कर दिया सबसे, मैं अकेला बैठा था। आज 10 से 5 का जो भूख हड़ताल है उसमें ये सब लोग बैठेंगे, कुछ जो बैठेंगे वो, और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए तो मैं बैठूंगा, और जो बैठे तो देखा जाएगा। वैसे हर जिला में बैठेंगे लोग, हर जिला में और जिला में बैठ रहे हैं और जहाँ जहाँ बैठेंगे। आखिरकार ये कब तक ऐसे चलेगा, कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्या कुछ रणनीति बनाई होगी, क्या सोचती है? अभी जी तो सरकार जानेगी कैसे इस रणनीति क्या बना में रणनीति तो बनाते हैं कि यहाँ किसानों को बुलाना चाह रहे हैं तो किसान को आने नहीं दिया जा रहा है, किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, किसान नेताओं को घर से उठाया जा रहा है या घर में ही नजरबंद किया जा रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, और तमाम ऐसे खुले आसमान में आप लोग सो रहे हैं, यही खाना चल रहा है, और फिर कैसे वो कहने मतलब आंदोलन आगे बढ़ पाए? किसान की इतनी बड़ी समस्या है, किसान कर्जदार है तो वैसे ही आत्महत्या कर रहा है, तो अब यहाँ सड़क में मर जाएंगे तो कम से कम ये तो है जाए किसानों के लिए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मर गए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? जी देखिए कहने मतलब मरना गवारा है, लेकिन किसी भी सूरत में समझौता करना वो नहीं है। कि यहाँ देखिए एक किसान है पंजाब से आए हैं आप, अच्छा लखनऊ से आए हैं, ये बताइए आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और खासतौर से 14 दिसंबर उसको लेके क्या है? हमारा तो यही कहना है कि हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भानु प्रताप जी, जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों को स्वीकार होगा। और दूसरी बात है कि लखनऊ में किसान इतना पीड़ित है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके विषय में बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हर जगह किसान यूनियन भानु को रोका जा रहा है, हम लोग रात के 12 बजे से खड़े हैं, अभी हमको सुबह 5 बजे छोड़ा गया है। क्या कह रहे हैं आप लोगों से? हम तो कह रहे हैं सरकारें जानी चाहिए,
काले कानून वापस लेने चाहिए, किसान को हक मिलना चाहिए। तो सरकार भी कहती है कि बातचीत करो, लेकिन उसके बावजूद भी वार्ता विफल होती चले। किसान वो सरकार खाली दिखावा करती है, करती कुछ नहीं। जी सरकार दिखावा करती है, ये किसानों का कहना है। उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि हम अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा जो है कहीं बातों को नहीं माना जाता है और इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता। जी मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मेरे शहर के भाई बहन हैं, सबसे ज्यादा इनको दिक्कत होगी। जब हजार में अडानी अबानी लेगा तो 3-4 हजार में बेचेगा, तब ये जो शांति से चुप्पे घर में सोए हुए हैं ये बाद में जागेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पिछले आज तीसरा दिन है रामायण पाठ का भी। ये देखिए यहाँ रामायण पाठ बराबर चल रहा है कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए कि इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार कुछ आगे कदम और उठाए और ये जो धरना प्रदर्शन है किसानों को भी कहीं राहत मिले। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार और किसानों के बीच कब सहमति बनती है और ये धरने प्रदर्शन जो बॉर्डरों पे बैठे किसान हैं ये कब तक यहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे।